हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं क्या दिया है। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 गुना है दूसरे नंबर से। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर 21 को आप ऐड करते हैं दोनों नंबर्स में, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर नंबर। जो तो दोनों नए नंबर बनेंगे उसमें से एक नंबर दूसरे के क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो आपको बताना है कि वो नंबर्स कौन से होंगे, राइट? शुरू करते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं लेट द पॉजिटिव नंबर बी एक्स। सपोज वो पॉजिटिव नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितना है, एक्स हमने माना है। तो दूसरा क्या होगा, सो द अनदर नंबर बी कितना था, नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर, है ना, 5 टाइम्स है, मतलब इस नंबर के 5 टाइम्स, मीन्स कितना हो गया बी, 5x। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे हम। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों नंबर्स में 21 ऐड करती हूँ, ठीक है। तो जैसे इसमें किया, सपोज मान लो 5x प्लस 21 एक कर लिया, और ये वाला भी x प्लस 21 है, राइट? तो इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो इन दोनों में से वन ऑफ द न्यू नंबर जो है वो कितना होगा, ट्वाइस द अदर। मैंने दूसरे वाले को ट्वाइस कर दिया, एक नंबर दूसरे के कैसा होगा, दूसरे को डबल करेंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा इस तरह से। तो न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, दोनों नए नंबर्स थे और एक दूसरे का कैसा होगा, ट्वाइस होगा। बस हमें इसे सॉल्व करना है। ये 5x प्लस 21 तो अपनी जगह पर रहेगा, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू एक्स 2x प्लस 21 इंटू 2 होता है 42। अब हमें सेम हमारा जो हमने 2.3 में भी किए थे इस तरह के सम, जिसमें हम वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साथ लाते हैं और कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक साथ लाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 5x के साथ में इस वेरिएबल वाली टर्म को लेकर आएंगे, जो कि 2x है प्लस 2x है उधर की साइड में, इधर आएगी तो माइनस 2x हो जाएगी, इक्वल टू 42 अपनी जगह ही रहेगा। 21 यहाँ प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस 21, कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट को हम अपोजिट साइड ले जाएंगे, माइनस 21, 5 माइनस 2 होता है 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 21, 21, 42 माइनस 21 करेंगे तो 21 आएगा। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x यहीं रहेगा, 21 अपनी जगह पर, बस 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई में था यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7, क्योंकि 3 वन ज़ा 3 और 3 सेवन ज़ा 21 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, मतलब पहला नंबर x है। सो द पॉजिटिव नंबर इज 7 एंड द अनदर नंबर इज, क्या था हमने अनदर लिया था, 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 7, मतलब 35। तो 7 एंड 35 आर द नंबर्स, राइट? इस तरह से हमें करना था, जो कि बहुत ही आसान था। पहले हमें कंसीडर करना है जो चीज़ दी है उसे लेट करना है, सपोज करना है एक वेरिएबल से, एंड देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशन लिखना है, एंड देन जस्ट सॉल्व द इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर। इस तरह से हमने सॉल्व किया है, जिससे पता चला 7 एंड 35 वो नंबर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। फर्दर क्वेश्चंस के लिए हम मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।